हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे एग पकोड़ा। इसे आप एग कबाब भी कह सकते हो और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे आप बड़ी आसानी से बनाकर सर्व कर सकते हो, खिला सकते हो और बहुत ही मजा आएगा खाने वालों को भी। तो इसे बिना देर किए चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। जी हाँ, उबले हुए, अच्छी तरह से उबले हुए अंडे होने चाहिए। तो बस हमें क्या करना है, इसे 2 भागों में बांट देंगे, हम इसी तरह से काट देंगे। आप चाहो तो इसे 4 भागों में भी कर सकते हो। तो इसे मैं सारे अंडे को ना हमने 2 ही भागों में काटा है। आप चाहो तो आपकी मर्जी 4 भाग भी इसका कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैंने ये सारे अंडे को जो है 2 भाग में काट दिया है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें लेना है एक बॉल, इसे रख देंगे साइड में। एक बॉल लेंगे, उसमें मैंने डाला है लगभग 2 बड़े चम्मच मैदा। जी हाँ, ऑल पर्पज फ्लावर जो है वो लिया है, फ्लावर वो डाल देंगे 2 चम्मच। और एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे बेसन। जी हाँ, बेसन हमने डाला है। और 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। तो ये तीनों चीज जो पहले हम डाल देंगे, उसके बाद हमें अभी बहुत कुछ डालना है। इसमें हमने डाला है लगभग 8 से 7 हमने लहसुन की कलिया को बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। और हमने 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसे भी बारीक काट दिया था। इसे आप चाहो तो कद्दूकस कर भी कर सकते हो, वो डाल दिया था। यहाँ पे हमने 4 से 5 हरी मिर्च को एकदम से कद्दूकस कर लिया था, इसका पेस्ट भी आप डाल सकते हो। तो वो हमने यहाँ पे इसे डाल दिया है। और हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च लगभग 1 छोटा चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, गरम मसाला डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, और हम जीरा का पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच, नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। तो बस अभी हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को ना पहले मिक्स कर लेंगे, ऐसी चम्मच से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाना है। और घोल कैसे बनाना है, घोल जो है वो बिल्कुल मतलब गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा सा घोल बनाएंगे हम। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि हम अगर एक बार पानी डाल देंगे तो क्या है कि यहाँ पे गुलटियाँ ज़्यादा बन जाएंगी, तो हमें मिक्स करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप ऐसे मिलाते रहोगे तो इसे बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स होता जाएगा और इसका घोल आपको पता भी चलेगा कि हाँ ये कितना गाढ़ा हो रहा है और ये कितना पतला हो रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें धीरे धीरे पानी डाल के इस तरह से हमें घोल इसका तैयार कर लेना है। ये देखिए गाढ़ा घोल बनाया हमने। तो बस हमने कढ़ाई पे तेल डाल के गैस पे चढ़ा दिया था और ये मीडियम आंच पे, मीडियम हीट है तेल। तो बस अभी हमें घोल भी तैयार है और तेल भी हमारा गर्म है। तो बस हम क्या करेंगे, अंडे को, एक अंडा ऐसा हाफ अंडा जो हमने काट के रखा था उसे डालेंगे इसे, और अच्छी तरह से इसे मतलब ये इस घोल में डुबोएंगे चारों तरफ से, अच्छी तरह से डुबाना है हमें। और बस हमें निकाल के इसे डायरेक्ट तेल में रख देना है हमें फ्राई होने के लिए, देखिए इस तरह से। तो बस कढ़ाई में जितना आ सके बस उतना हमें इसे अंडों को डालेंगे, उतना ही अंडे डालेंगे हम इसमें, और देखिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे इसे। तो जितना आ सके उतना ही अंडा हम इसमें डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना इसे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया है, इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से चलाएंगे और चलाए तो दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक ऐसे फ्राई कर लेना है। बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी होता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि तेल हमारा जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जल्दी से ये पूरा ऊपर से जो लाल हो जाएगा, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और अंदर से थोड़ा सा ये जो कोटिंग जो किया है वो पकेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने मीडियम ही आँच पे रखा था और मीडियम ही तेल गर्म था, तो ये बड़ी अच्छी तरह से पका है अंदर से भी। तो बस इसी तरह से हमने बाकी के भी जो है अंडे, उन्हें भी इसी तरह से घोल में डुबो के फटाफट से फ्राई कर लेंगे इसे, देखिए। और बहुत ही एकदम 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार खाने में भी लगती है। और ये रेसिपी जो है, इसे क्या करेंगे हम जब सर्व करेंगे ना, तो इसे सर्व करते समय आप करी पत्ता जो है, करी पत्ता को थोड़ा सा तेल में, इसी तेल में फ्राई करके निकाल लेना है और बस ऊपर से उसे सजा के तब जाके आप इसे सर्व करना। तो बहुत ही टेस्टी लगेगा देखने में भी और खाने में भी। तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।